यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष, नो आयत में लिखा, जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। मैं दोबारा पढ़ता हूं, यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में सुंदर थे। आप इमेजिन करो, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, उसने कहा था, मैं आदम को उसने एक बाग में रखा था जिस बाग के वृक्ष जो थे वो देखने में अति सुंदर और मनोहर थे। आपकी लाइफ की 50% बीमारियां शैतान की वजह से हैं, जो ना तो दवाइयां ठीक कर सकती हैं ना तो एक्सरसाइज ठीक कर सकती हैं, लेकिन 50% बीमारियां आपकी अपनी गलती की वजह से हैं। परमेश्वर ने आदम को बोला था वो काम करे अदन की वाटिका में, अगर वो काम नहीं करेगा ओवरवेट हो जाएगा। अगर आपका भार इस समय 70 किलो है और अगर आपका भार 3 किलो बढ़ जाए 73 हो जाए, तो जितने किलो आपका भार बढ़ता है उससे 4 गुना ज्यादा आपके घुटनों पे बोझ बढ़ता है। अगर एक औरत यहां पे ओवरवेट है, मान लो उसका भार 90 किलो है, उसके घुटने दर्द कर रहे हैं, अगर वो 10 किलो पार कटा ले 80 कर ले तो 40 किलो भार उसके घुटनों से कम हो जाता है। परमेश्वर ने लिखा सुंदर वृक्ष इसीलिए बनाए थे कि आदम उन सुंदर वृक्षों को देख के और उन वृक्षों में रह के रिलैक्स कर सके। मेक श्योर आपके घर के आसपास वृक्ष लगे हों, आपके घर के अंदर प्लांट्स लगे हों। जो परमेश्वर ने जिस आदम को जो जगह दी थी वो वाटिका थी जहां पे वृक्ष लगे थे, पेड़ लगे थे, पौधे लगे थे, और आप कंक्रीट के घरों में रहते हो। जो आपने बनाया वो नुकसान करता है, जो परमेश्वर ने बनाया वो फायदा करता है। तो पुराने टाइम में वापस जाओ जो परमेश्वर ने बनाया। एक प्रेयर माउंटेन बनेगा जल्दी आपके लिए, जहां पे दुनिया का हर सुंदर वृक्ष लगा होगा। बहुत सारी चीजें हैं, फिर बताऊंगा आपको। तारीफ करो जोर से, जोर से। इस क्वेश्चन में लिखा है कि क्यों अच्छे लोग बुरी हालत में रहते हैं और बुरे लोग ज्यादा खुश रहते हैं। मैंने बचपन में अपने पिता को खो दिया और अब फिर मैं अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा हूं। Why to continues? एक वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 92 उसकी 7 आयत। उसमें लिखा है कि दुष्ट जो घास के समान फूलते और फलते हैं, और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, ये इसलिए होता है कि वो सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। तारीफ करो इस वचन के लिए प्रभु। कि अच्छे लोग वाई इन बैड कंडीशन। मैंने बचपन में, उसने लिखा, मैंने अपने पिता को खो दिया। अगर एस्तर भी यही बात बोलती जो उसने बचपन में अपने माता और पिता दोनों को खो दिया था और अपनी स्पिरिट को डिस्टर्ब कर लेती और क्रिश्चियन ना रहती, तो क्या वो राजे की रानी बनती? बोलो, मेरे को आवाज नहीं आई, गर्दन हिला के बोलो नहीं। मेरे को गर्दन हिलती नजर नहीं आ रही। मैंने कहा अगर वो ये नाराज होती परमेश्वर से कि मेरे माता पिता दोनों क्यों नहीं है, तो क्या वो रानी बनती? गर्दन हिला के बोलो नहीं। मैं यही तो बात आपको बोल रहा हूं,
बुरी सिचुएशन में डालने वाला आपको परमेश्वर नहीं, शैतान है। पर अगर आप उस बुरी सिचुएशन में परमेश्वर के साथ जुड़ जाओगे तो उस बुरी सिचुएशन से अच्छी सिचुएशन निकालने की वो ताकत रखता है। पर वो आपको फोर्स नहीं करेगा, इसके लिए आपको फोर्स करना पड़ेगा अपने आप को, आपको अंदर से रखना पड़ेगा गॉड इज ए गुड गॉड, माय गॉड इज ए गुड गॉड। आपको मेडिटेट करना पड़ेगा मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर, सब भली बातें उसकी ओर से। और लिखा क्यों बुरे लोग अच्छी कंडीशन में, मैंने ऐसे धर्मी देखे जिनके पास खाने के लिए नहीं था, सेवा करने के बावजूद 200-200 रुपया मांगते देखा उन्हें अपनी इन्हीं दोनों आंखों से, उन्हें लीड करते देखा हजारों लोगों को। पर एक टाइम आया जब परमेश्वर ने एक ऐसा अचंभा काम किया कि आज फिर से वो राजा की कुर्सी पे बैठा है। अगर वो 14-15 साल जो मैंने उसको देखे हैं, अगर आप उसे देख लेते तो उसके रिश्तेदार बोलते थे तू मसीह में क्यों आया, जब से तू मसीह में, एक सरकारी नौकरी करने वाले इंसान की मैं बात कर रहा हूं जो भीख मांगने पे मजबूर हो गया था, एक तरह की भीख थी उसके लिए, रोज 200 रुपया शाम को किससे लेना है, किराया लाने के उतारने के लिए, और एक कमरे में 8 बंदे 9 बंदे परिवार के सो रहे हैं। अगर हम बोलेंगे वाई क्यों, तो हम वो चीजें नहीं देख सकते जो परमेश्वर चाहता है। आपको मेडिटेट करना है माय गॉड इज ए गुड गॉड, कुछ भी हो जाए माय गॉड इज ए गुड गॉड, कुछ भी हो जाए माय गॉड इज ए, कुछ भी हो जाए, और फिर वो अच्छी चीजें आपसे निकालने लगेगा और आप बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हो। लिखा दुष्ट जो फूलते और फलते हैं प्रफुल्लित होते हैं, वो सर्वदा के लिए नाश हो जाएं इसलिए प्रफुल्लित होते हैं, भूसी के समान वो उड़ जाएंगे बाइबल कहती है जब जब आंधी आएगी तो। लिखा अपने मन में जब तू दुष्ट को देखे, उसको खुश और फलवंत होता देखे तो आनंदित मत होना या प्रभु के सामने क्वेश्चन ना करना। अगर एक क्रिश्चियन दुखी भी है तो वो स्वर्ग में जा रहे हैं पर उनकी कोई गारंटी नहीं। हालेलुया। आप स्वर्ग जा रहे हो, आमीन। अगर एक क्रिश्चियन दुखी भी है तो वो स्वर्ग में जा रहे हैं पर उनकी कोई गारंटी नहीं। हालेलुया। आप स्वर्ग जा रहे हो, आमीन।